नमस्ते, मैं हूँ सीमा, अ टैरो कार्ड रीडर। और आज जिनका बर्थडे है यानी 16th of August, उनके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स बेसिकली हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं लाइफ में हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, कहाँ हम अपने लाइफ पाथ को मिस कर रहे हैं। अगर हम गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो हमसे मिस्टेक्स नहीं होती, वरना मिस्टेक्स कर करके तो हम सीख ही लेते हैं। टैरो इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर नोइंग योर सबकॉन्शियस माइंड। और जिनका जन्म आज हुआ है उनके लिए तो ये खास तौर पे पूरे साल भर के लिए गाइडेंस हो जाएगी, 16th of August वालों के लिए। और मैं ये चाहती हूँ कि जो भी ये रीडिंग, जिनका भी आज बर्थडे है, वो रीडिंग्स के बारे में उनको क्या महसूस होता है वो ज़रूर इस बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में। दिस मोटिवेट्स मी टू डू समथिंग ग्रेट फॉर यू, रीड कार्ड्स फॉर यू, और आपके लिए ये साल भर की एक गाइडेंस हो जाए। और आप इस रिकॉर्डिंग को अपने पास रखिए, इस वीडियो को जब भी ज़रूरत हो आप देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और आपको अगर डिटेल गाइडेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से अपॉइंटमेंट लेके वी कैन गो इन डीप स्टडी एंड वी कैन डू द रेमेडी पार्ट ऑल्सो। अब जो आप लोग हैं, हो सकता है आपको आज कोई बहुत अच्छा गिफ्ट मिला हो या मिलने जा रहा हो। दूसरा, अभी आप बहुत ज़्यादा पास्ट में रहते हैं, आप बचपन की चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को बहुत याद रखते हैं, बहुत कनेक्टेड हैं उन चीज़ों से। अच्छा होता है पुरानी चीज़ें याद करना, लेकिन अगर हम पास्ट में ही रहेंगे, बचपन से ही बाहर नहीं निकल पाएंगे या पुरानी चीज़ों से, तो वो कई बारी हमारी ग्रोथ के लिए इट इज़ नॉट गुड। इमोशनली आपको मालूम है कि आपके नए रिलेशंस बन रहे हैं और आप फाइनेंशियली भी ग्रो हो रहे हो, आप कुछ आपने नए प्रोजेक्ट्स भी डाले हैं, लक आपके फेवर में है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जितने एफर्ट आप करते हो वो बीच में रोक मत देना आप, क्योंकि अगर आपने बीच में अपने एफर्ट्स रोक दिए तो फिर फाइनेंशियल क्राइसिस होने के चांसेस हैं। और कभी भी आप लोन मत लीजिएगा, बिकॉज कार्ड्स आर टेलिंग मी लोन लेना इस समय आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर लोन नहीं लेंगे और लेते भी हैं तो इतना लीजिए कि आप ईजिली रीपे कर पाएँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनली आप रिलेशनशिप कहीं चाहते हैं या डर है आपको खोना जाए रिलेशनशिप का, रिश्तों के लिए। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, जो बड़ी उम्र के लोग हैं स्पेशली 45-50 प्लस, क्योंकि उनके लिए हार्ट डिजीज़ या हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू होने का डर है। ये मैं नहीं कह रही कि कन्फर्म्ड होगा, लेकिन अगर आप हेल्थ का ध्यान रखते हैं अपना, उसके लिए अपने एक्सरसाइज को, अपनी डाइट को और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, मेडिटेट करें। मैंने कुछ एक वीडियोस डाल रखे हैं, उसके अंदर 10 मिनट्स अगर आप होपोनोपोनो वाला मिरेकल प्रेयर रोज करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर अच्छी होती है तो हम आगे कुछ कर पाते हैं। मेंटल हेल्थ ही वो चीज़ है जिससे हम डिसीजंस ले पाते हैं। कई बार हम इतने कन्फ्यूज्ड होते हैं कि हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। आपको सिर्फ अभी इस समय ज़रूरत है तो पास्ट से बाहर निकल के फ्यूचर प्लानिंग करने की, और फ्यूचर प्लानिंग में भी ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा खतरे वाला हो सकता है। बाकी आप अब जो आपने अपने आप को पूरी तरीके से वो करा हुआ था, बांध रखा था, या आप अपने फियर्स को फेस नहीं कर पा रहे थे, वो आप में धीरे धीरे करे जा रहा है, और जो भी आपके अंदर फियर्स थे उससे बाहर निकल रहे हैं। तो कुल मिला के ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। केवल जो गाइडेंस है, जो थोड़ी सी, अगर गाइडेंस का मतलब ये हुआ जहाँ हमें लगता है कि हम गड़बड़ कर सकते हैं, गलत डिसीजंस ले सकते हैं, वो फाइनेंस के मैटर में है। बाकी रिलेशनशिप आपके अगर हैं तो वो भी आप संभाल लेंगे, क्योंकि रिलेशनशिप और फाइनेंस दोनों को थोड़ा संभालने की ज़रूरत है। हेल्थ रिलेटेड केवल बहुत ज़्यादा पूरा साल ऐसा इश्यूज नहीं रहेंगे, बाद में थोड़ी बहुत जो मैंने बोला वो प्रॉब्लम आ सकती है। अभी तो आप अच्छी एनर्जी लेवल हाई है, अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखिए, उस एनर्जी से काम भी करिए, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको कुछ और गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। थैंक यू।